हिमांश सीचपाल का टेस्ट पेपर मैं आपको सॉल्व करा दी थी। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें 20 हिंदी के थे, बाकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सबसे पहले कुलीबेगा प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का क्या नाम है? ये कमिश्नर ट्रेल है इनका नाम, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? कर्णावती को नक्कटी रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये थे 2x18 गढ़वाल राइफल्स के जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? ये बकवाल जो कि अभी हाल फिलहाल में राखी पे आयोजित हुआ था, तो ये बकवाल पत्थर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, महासु देवता की पूजा होती है, इनकी पूजा देहरादून में होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? उस टाइम मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, तारा दत्त गैरोला किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? प्रसिद्ध है मतलब, तो ये कवि भी है, ये अधिवक्ता भी है, ठीक है? तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों आपके राइट आंसर है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किन का कार्य जोहर घाटी से संबंधित है? तो इसका आंसर है डॉक्टर शेर सिंह पांगती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है हमेशा मिट्टी के तेल में, एक डब्बे में बंद करके, क्योंकि ये वायु के साथ क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है? इसीलिए इसको सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डिप करके बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो टाइफाइड का इसके द्वारा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाने में फंजाई यानी कि कवक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? इस सप्तम 20 मार्च 2016 को अनाउंस हुआ, को सेलिब्रेट हुआ था, उसके बाद से अब हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? ग्लास भी एक आम होता है, प्रिंस भी, शरीफा भी। तो शरबती जो होता है ये राइस होता है, ना कि एक आम होता है, ठीक है? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो ये जो कल्पक्कम है तमिलनाडु का, ये पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोल आप प्रसिद्ध खेल है, ये अंडमान निकोबार द्वीप का प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये दूसरो के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? एडोल्फ हिटलर ने की थी नाजी पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको ईयर्स पूछा है, डेट्स नहीं पूछी है। तो ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ये खत्म हुआ था। ये तो मुझे ध्यान है कि नवंबर में एंड हुआ था, 1-2 नवंबर के आसपास, और शायद ये जुलाई लास्ट में स्टार्ट हुआ था, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कंचनजंगा, ऑप्शन सी। भारत से कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आता है? कनाडा में आता है सबसे ऊंचा ज्वारभाटा वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण क्षमता होती है? तो ये चना और अन्य दालों में नाइट्रोजन स्थितिकरण क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? ये है सतलज नदी पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं कहलाता है, वो मुहाना कहलाता है, जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ये वैसे भी इनका, अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस डायलॉग है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से हैं? तो महाद्वीपीय हिमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? ये अनिल कुंबले को नया कोच नियुक्त किया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रेजेंटली इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? तो उसे एक, जब आप पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब इधर होगा पश्चिम इधर होगा, जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमेशा एक दिन घटेगा, जब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन हमेशा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह है बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो कोट द्वार को पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है जाइलम जल वो खनिज का और फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कोस्ट होते हैं? ठीक है, चैम्बर्स, यानी कि कोस्ट, यानी कि चैम्बर्स। तो केवल दो कोस्ट होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं इनके हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था आपका क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, कुछ इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? वृहद रित्तिका, ये पादप कोशिका की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, संख्या 7, 2, 5, 6 times 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 0 का वैज्ञानिक मान क्या होगा? ठीक है, देखिए 6 तो ये 0 हो जाएंगे, 7 digit 8 digit, तो 10^8 लिख दिया और इसको 7.25 लिख दिया, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी? ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आएगा 50, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड में कारपेट को TCEAPR ये लिखा जाता है? ठीक है, ये थोड़ा सा इन्हीं को शायद फ्लक्चुएट कर दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे तो CARPET, ठीक है, लिखते हैं, तो नेशनल को आप कैसे लिखेंगे? नेशनल को भी इस वे में, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट किया वैसे नेशनल को आप यदि अरेंज करेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं, प्रथम तथा नवे पोल के बीच की दूरी क्या होगी? हर जब 50 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इसका आंसर हो जाएगा 400, ओके, ये आप समझिए ना कि प्रथम तथा नवे पोल के बीच, यानी कि 8 पोल गाड़े गए, 8×40 यानी कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करती है, कुल यात्रा का औसत चाल होगी? इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, टेंडन जोड़ते हैं तो पेशी को अस्थि से, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 144 + √144
तो इसका आंसर आएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 18 प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े तो निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है? तो ये है अर्थ एवं संख्या निदेशालय। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर इज, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा चीज पहले होगी और कौन सी बाद में होगी। तो सबसे पहले आएगा वायुदाब, उसके बाद वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद संरक्षण, फिर राहत कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया सिक्स पार्ट का टेस्ट पेपर। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्ट पेपर या किसी और क्लास के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू। We'll be right back.